हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ऑलरेडी सीजन 2 तेजी से आगे बढ़ रहा है। फैंस को शो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। घर के अंदर काफी कुछ अब ऐसा हो रहा है जो कि फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और शो की जो टीआरपी है भाई वो तो पूछो ही मत, सातवें आसमान पर है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी घर के अंदर है। पर क्या आपको पता है कि उर्फी जावेद जो कि लगातार बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को कर रही हैं फॉलो, उन्होंने कर दिया है एक अलग तरीके का पोस्ट। जी हां, उन्होंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के 4 कंटेस्टेंट्स के बारे में बोल दी है काफी बड़ी बातें। जहां उर्फी ने 2 कंटेस्टेंट की जमकर तारीफ की है तो वहीं 2 कंटेस्टेंट्स को बताया है इस शो का, इस सीजन का सबसे बुरा इंसान कौन है वो, क्या कुछ कहा है उर्फी ने, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अगर उससे पहले यही कहूंगी, नहीं किया मेरे चैनल गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिए। देखिए, उर्फी जावेद ने एक पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट में वो पहले तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की जमकर तारीफें करती नजर आई हैं और फिर उन्होंने कहा है कि इस शो में अगर कोई सबसे बढ़िया है तो वो है फुकरा इंसान, यानी कि अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी दोनों के लिए उन्होंने हाथ इमोजीज भी किए हैं शेयर। इतना ही नहीं, 2 बुरे इंसानों के नाम का भी अब उर्फी ने कर दिया है खुलासा। एक नाम है जिया शंकर और दूसरा नाम है अविनाश सचदेव। तो ये बताया है अब उर्फी जावेद ने। और उर्फी के इस तमाम खुलासों के बाद ना यकीनन फैंस को कहीं ना कहीं उर्फी पर आ सकता है गुस्सा, क्योंकि कई लोगों की फेवरेट है जिया शंकर। हालांकि जिया पर तो लगातार कई सारे सितारे भड़ास निकाल रहे हैं जब से जिया शंकर ने एल्विश को पानी में साबुन मिला के पिलाया था। बहरहाल, आपकी क्या राय है और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।